झुके रहना पड़ेगा मेरे आगे, क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूँ, तो झुके रहना पड़ेगा। अगर झुके रहेगा तो ठीक है, नहीं तो उसके इतने झूठ पड़ेंगे मुंह पर अगर उसने मेरे सामने स्टार बनने की कोशिश करी तो। पतली गली से निकल 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 निकल। Instagram, YouTube, TikTok, Snapchat, Sorry, Vansham, Sorry, Set, Max, Hira, Thakur, जहर वाली गिर के चाहने वालों। इंट्रो। एथू, चल निकल। तो दोस्तों आजकल के 18 से 25 साल के बीच के नल्ले बेरोजगार छपरी लौंडों को, यूट्यूबरों को ये लगता है कि वो पुनीत सुपरस्टार पे वीडियो बनाएंगे और वो वायरल हो जाएंगे। अच्छा, वो नल्ला बेरोजगार यूट्यूबर मैं ही हूँ। वो नल्ला बेरोजगार यूट्यूबर मैं ही हूँ। अरे यार छपरी यूट्यूबरो, साला तुम लोग अपनी वीडियो में अपने यूट्यूब चैनल पर मेरे को रोस्ट कर करके मेरे नाम से टीआरपी खा रहे हो। अब तुम लोगों के चैनल से अगर एक एक वीडियो ना उखाड़ के फेंकी ना, सालो तुम लोगों की छपरी पना जो है ना, जितना भी तुम लोगों के अंदर। Yes, तो गाइस हम आज बात करने जा रहे हैं इंडिया के सुपर स्टार, सुपर टैलेंटेड, सुपर एनर्जेटिक, सुपर स्मार्ट बंदे के बारे में। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, जिसके बारे में आप जानते हैं, कोठी बंगले वाला, वन एंड ओनली, द वन एंड ओनली इन द होल वर्ल्ड यूनिवर्स ब्रह्मांड, पुनीत सुपर स्टार। गाइस एक बात और, ये कतई रोस्ट वीडियो नहीं है, ना मैं उनकी मजाक उड़ा रहा हूँ, आई एम अ ह्यूज ह्यूज फैन ऑफ हिम दिल से। पुनीत भाई आई लव यू। ए थू, चल निकल। तो यार क्या, क्या 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 नहीं बोला है आपने, मतलब ऐसा लगता है कि अपने ऊपर है। आजकल के नल्ले बेरोजगार छपरी 18 से 25 साल के बीच के लड़के पापा की जेब से पैसे चुरा दे ताकि वो अपनी गर्लफ्रेंड को शॉपिंग करा पाए। बाबू आप बिल्कुल चिंता मत करो यार, मैं अभी तुम्हारे पास आ रहा हूँ, अपने बाप की जेब में से 1000 रुपए चोरी करके लेके आ रहा हूँ। नल्ले बेरोजगार छपरी लड़के पापा की गाड़ी चलाते हैं, लड़की के सामने स्केटे मारते हैं ताकि लड़की को लगे ये तो साला कोई कोठी बंगले वाला लौंडा है। नल्ले बेरोजगार 18 से 25 साल के छपरी लड़के चश्मा पहनते हैं, शर्ट के एक एक बटन खोलते हैं, ये लॉकेट खरीदते हैं 200 रुपए का ताकि सामने वाली लड़की को लगे ये तो कोई कोठी बंगले वाला लड़का है। बात तो सही है। ओह सो गाइस आपने बहुत सारे मीम्स को देखा होगा, पहले आप देखते होंगे इन लोगों को। आपको लगता होगा इनसे भी कोई बड़ा है जो हमें हंसा सकता है, जो राज कर सकता है मीम्स की दुनिया पे? जी हाँ जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल है। इंस्पिरेशन शब्द सुना है तुमने? पुनीत भाई के लिए बनाया, वो इंस्पिरेशन है भाई मेरी। नाम बता इसका। पुनीत सुपरस्टार। इसकी फोटो क्यों लगाई है? क्यों लगाई है इसकी फोटो? इज माय इंस्पिरेशन बॉस, इसे बहुत कुछ सीखा लाइफ में। स्मार्टनेस शब्द सुना है? इन्हीं को देख के लोगों ने बनाया स्मार्टनेस शब्द, और मैं खुद इंस्पायर हूँ भाई इनकी स्मार्टनेस से। मैं बताता नहीं हूँ आपको, मैं दिखाता हूँ आपको, रुकिए। भैया देखो, सनलाइट, मूनलाइट, चांद, गुलकंद, रौनक, नूर और गुलकंद और अनार का रस, जूस का रस, मतलब सब बसता है मेरे चेहरे के अंदर। मतलब ऐसा कहीं चेहरा पे, मतलब ये एक मिनट रुको, तुम खुद देखो, ये देखो है मुझसे कोई स्मार्ट? बताओ खुद, नहीं तुम खुद देख, मैं ये नहीं कहता तुम मेरी बात मानो, तुम खुद देखो ना, फैसला तुम करो कि मैं इस दुनिया का सबसे हैंडसम बंदा हूं या नहीं हूं। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, इसे कहते हैं रौनक, तजुर्बा, धन्यवाद। तो देखा दोस्तों मेरी खूबसूरती करा। गाइस जैसे कि हम सब जानते हैं, दूसरे क्रिएटर्स फेम पाने के लिए ये सब करते हैं और उससे पैसे कमाते हैं, लेकिन पुनीत भाई पैसे कमा के क्या करते हैं ये आप सब जानते हैं। भाई ने रिसेंटली एक गाड़ी ली है
सिर्फ और सिर्फ मतलब जो मेरे को जेन्युइन बात लगी वो ये कि उस गाड़ी की बैक सीट पे वो खाना लेके जाते हैं और बच्चों को बांटते हैं। मानो तो दोस्तों मुझे कोई नई गाड़ी का शौक नहीं है, दरअसल मैंने ये नई कार ली है सिर्फ इसलिए ली है कि मैं रास्ते में जो मैं खाना बांटता हूँ सैटरडे संडे को, क्योंकि मैं प्रॉपर तरीके से खाना ले जा नहीं पाता, कम पड़ जाता है क्योंकि मैं बुलेट पे ले जाता हूँ, स्कूटी पे ले जाता हूँ। तो दोस्तों इसलिए मैंने कार ली है आप लोगों की दुआ से, और आप लोगों का अगर प्यार रहा तो दिल्ली के एक एक कोने में जो है पुनीत सुपरस्टार जो है खाना बांट देगा। भाई गोल्डन क्रू अवार्ड पोपटलाल नहीं, गोल्डन अवार्ड मिलना चाहिए भाई को यार, गोल्डन अवार्ड मिलना चाहिए इन सब चीजों के लिए कि पुनीत भाई लव यू भाई। दोस्तों मेरे बाप ने मुझे इतना मारा, कहा तू नल्ला है, बेरोजगार है, तू काम चोर, तुझसे कोई काम नहीं हो सकता, तू पैसे नहीं कमा सकता। तो मैंने उनसे कहा कि हाँ मैं सालों काम चोर हूँ। लेकिन एक बात और सिखाई पुनीत भाई ने मुझे, भाई देखो मैं नहीं जाता कहीं पैसा वैसा कमाने के लिए, पैसा किस्मत में होगा तो खुद चल कर आएगा, वरना रोड पे जितने मर्जी घोड़े दौड़ा लो हल चला लो कुछ नहीं मिलने वाला। दोस्तों मैं कहीं नहीं जाता काम वाम करने, अगर तुम्हारी किस्मत में होगा तो पैसा खुद चल के आएगा, वरना रोड पे चाहे जितने घोड़े दौड़ा लो सांड दौड़ा लो कुछ कर लो कुछ नहीं होने वाला। बिस्तर पे पड़ा रहता हूँ पूरे दिन, बाप की कमाई का खाता हूँ, शाम को खाता हूँ, सुबह सोता हूँ, दोपहर सोता हूँ, रात में जल्दी सोता हूँ, ये अपनी लाइफ है। क्या बात है सर, ये बात। सब मुझसे कहते हैं तू शादी कब करेगा, तेरी गर्लफ्रेंड कौन है, आज मैं आपको बताता हूँ कहानी, इसके पीछे कहानी है, सुना क्या। पहले मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, वही फिर रोज के रोने धोने, फिर मैं बताऊ उससे क्या कहता था, खत्म कर दो यार लड़ाई, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ यार, खत्म कर दो यार लड़ाई। उसे मेरा ये सब दुख दिखाई नहीं दिया दोस्तों, ये सब दुख दिखाई नहीं दिया। फिर एंड में आके पुनीत भाई की बात मान के मैंने पता क्या किया, अबे और लोंडिया साली, जब मैंने तेरे को बताया था तू मेरे से पॉश कॉलोनी में पढ़ी थी, बाद में तूने मेरे को बोला कि मैं तो यहाँ पे घूमने आई थी, मैं तो मिडिल क्लास की हूँ, और बाद में तू मिडिल क्लास के भी नहीं मिली, तू तो झुकी झोपड़ी वाली इंग्लिश साली, तेरे इतने छोटे मारूंगा। इसके बाद मैंने सोचा कि नहीं अब कोई लड़की नहीं पटाऊंगा, अब सीधे शादी करूंगा, और शादी भी करूंगा तो पता है मुझे कैसी सास चाहिए, कैसा सोचेंगे ऐसा। दोस्तों मैं एक लड़की ढूंढ रहा हूँ बढ़िया सी, लेकिन ऐसी लड़की चाहिए मुझे जिसकी माँ की उम्र कम से कम 90-95 साल हो, क्योंकि अपने होने वाले सास के नाम से मैं 50 लाख रुपए की पॉलिसी कराऊंगा और उसके टपकते ही मुझे 1 करोड़ रुपया मिल जाएगा, और उसकी लड़की का और मेरा दोनों का पेट आराम से पलेगा। तो दोस्तों बेसिकली मुझे कोई ऐसी लड़की चाहिए जिसके बाप के पास बहुत सारा पैसा हो, जो मुझे शादी करने के बाद अपने घर पे बुला ले, अपने घर पे ही रखे, मैं बस आराम से खाऊं पीऊं उठूं सोऊं उसकी बेटी के साथ घूमूं, वो मुझे एक गाड़ी दे दे, सुबह से शाम तक मैं उसकी बेटी के साथ घूमूं, घर आके सो जाऊं, अगले दिन उठ के उसकी फैक्ट्री में जाके काम करूं। ऐसी बेटी ऐसी लड़की हो तो प्लीज संपर्क करें। तुम लड़कियों को क्या लगता है पुनीत भाई स्टेट नहीं है, पुनीत भाई तुम्हारे लिए मरते हैं? बाबू मेरे को माफ कर दो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता बाबू। अबे साली तू मुझे क्या छोड़ के गई, तूने सोचा मैं तेरे बिना मर जाऊंगा, चल निकल। यहां तक कि शादी होने के बाद पुनीत भाई ने मुझे सारे टिप्स दे दिए कि मुझे क्या क्या करना है, मुझे पता है कि मुझे अपने ससुर जी से क्या क्या बोलना है शादी के बाद। हाँ ससुर जी, अबे बुढ़े जब तक तेरे को ससुर के अलावा बुढ़ा ना बोलूंगा तब तक तेरे को मेरी लैंग्वेज समझ में नहीं आती। अबे बात सुन, बड़ा उस साले तूने मेरे को जो है कार तो दे दी दहेज में, उसमें पेट्रोल के पैसे कौन देगा हफ्ते के साले इतने। हाँ ससुर जी जो आपने मुझे टीवी दिया था दहेज में वो मेरा टीवी खराब हो गया है, तो मैं उसी को रिपेयर करवा लूं या आप नया दूसरा भेजोगे? अच्छा रिपेयर करवा लूं, उसमें 400 रुपए का खर्चा आ रहा है, 400 रुपए पेटीएम मार दो जरा। हाँ ससुर जी अगर मुझे पता होता कि आपकी बेटी रील्स और टिकटॉक पे नाचती है तो मैं उससे शादी तो करता नहीं और आपके डंडे पड़वाता चाव अलग से, ये मेंटल टॉर्चर भेजने के लिए मेरे घर पे, लेके जाओ अपनी बेटी को। लॉर्ड पुरी जिंदाबाद। हेलो, हाँ होने वाले ससुर जी। अबे साले बुड्ढे तुझे लगता है तू मुझे फॉर्चुनर नहीं देगा दहेज में तो क्या मैं तेरी बेटी से शादी नहीं करूंगा? सच्चा प्यार करता हूँ तेरी बेटी से, जा नहीं करूंगा।
तो लॉर्ड पुनीत ने हमारी जिंदगी खुशियों से भर दी है। ससुर जी ले लो, आंटी आंटी मुझे उल्लू खाना है। तो वैसे आंटियों के लिए ससुर जी बहुत सॉरी है। तो गाइस पुनीत भाई फरमाइशों में भी कम नहीं है। आंटियों से जो पुनीत भाई फरमाइशें करते हैं उसका तो जवाब ही नहीं है। पेश करना चाहूंगा पुनीत भाई के लिए एक, आंटी मुझे उल्लू खाना है, आंटी मुझे आपकी बेटी के साथ एक्स्ट्रा क्लास पढ़ना है। बड़ा हरामी हो बेटा। एक बार तो पुनीत भाई ने हद ही पार कर दी। आंटी अगर अंकल घर पे नहीं है तो मैं क्या आ सकता हूँ आपसे मिलने? गाइज आज जो हम इनकी वीडियोस देख के इतना हंसते हैं वो यही जानते कि इनने कितना सेक्रीफाइस करा है। टिकटॉक की पब्लिक से पिटे आई, ये सच बात है। लोगों ने मारा है, इनके कालिक लगाई है, जूते बनाए हैं, कीचड़ में डाला है, गत्तों से निकले कहां कहां से निकल गए। यस मेरे टिकटॉक के चाहने वालों, मौत का खेल चलता है जिंदा रोड पे, ट्रेन की पटरी पे चल रहा है, ऊपर फिनाइल विनाइल क्या क्या डालते हैं अपने ऊपर, सर्फ से मौत का खेल हो रहा है, कोलगेट से मौत का खेल हो रहा है, वैसलीन से मौत का खेल हो रहा है, सबसे मौत का खेल कर करके यहां तक आए पुनीत सुपरस्टार लॉर्ड। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। किसी से पिटना, अपनी बेइज्जती करवा के हम लोगों को हंसाना बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है। तो इस बंदे के लिए एक लाइक शेयर सब्सक्राइब बनता है और पुनीत भाई को फॉलो करो। भले ही रोज की 400 वीडियो तुम्हें देखने को मिले तुम बोर नहीं होगे, ये मैं लिख के दे रहा हूँ। कॉमेडी की 400 वीडियो आने वाली है, मतलब 400 वीडियो ही आती है पुनीत भाई की, मेरी तरह नहीं जो एक एक हफ्ते में तीन तीन हफ्तों में एक वीडियो डाल रहे। पुनीत भाई इज द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो। और आंटे मुझे आपकी बेटी के साथ एक्स्ट्रा क्लासेस में जाना है। गाइस इसी के साथ मैं वीडियो करता हूँ एंड। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो। और सालो अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी नहीं लगी ना तो इतने चुआटे मारूंगा, इतने चुआटे मारूंगा। तुमने अगर इसे शेयर नहीं करा ना ब्रो, इतने झूठ मारूंगा, इतने झूठ मारूंगा तो टकली कर दूंगा तुम्हारी में। शेयर करना वीडियो, लाइक करना वीडियो। आए बड़े देखने फ्री में आ जाते हैं यूट्यूब खोल के, निगाह तुम्हारी। तो इसी के साथ मैं वीडियो करता हूँ एंड। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज पुनीत भाई को लव दे, प्यार दे, उन्हें हेट ना दे। और आई होप मैं और जल्दी ऐसी कुछ वीडियो क्रिएट कर पाऊँ। प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तब तक ले बाय, सायोनारा, आई लव यू ऑल। और एक चीज और, Mr. Bombastic, bomba fantasta, con el pasquismis y son mebs son gasta, hijos mamocla.